तो आज मैं आ चुका हूँ कटघोरा शहर के गढ़ कलेवा में। कलेक्टर साहब के द्वारा बोला गया था संचालन करो, तो हम लोग यहाँ संचालन कर रहे हैं। क्या कह दी थी थाली में? हाँ, रोटी सलाद पापड़ आप चढ़ी थे खरबादे लच्छू के देखो तो यहाँ हो जाइए। दीदी चीला बना रही है। ये साबूदाना का पापड़, ये चावल पापड़ है, ये आम का चार बना हुआ है। यहाँ का जो खाना और सब्जी बनता है ना, बढ़िया टेस्टी बनता है। ये स्पेशल छत्तीसगढ़ी थाली तैयार। और यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग दो थाली लगवाए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले रोटी को खा लेते हैं आलू की सब्जी के साथ। सब्जी के साथ खाया जाए। फला है चीला। यहाँ पर दीदी सब्जियों को रिफिल कर दी। अगर आपको छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद लेना है तो चले आइए हमारे कटघोरा के गढ़ कलेवा में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आज मैं आ चुका हूँ कटघोरा शहर के गढ़ कलेवा में छत्तीसगढ़ी पकवानों का स्वाद लेने के लिए। तो इसकी स्थापना श्रिया महिला स्व सहायता समूह के द्वारा 3 मार्च 2023 को किया गया है। गढ़ कलेवा में बेसिकली गाइस छत्तीसगढ़ी व्यंजन आपको मिलते हैं। तो यहाँ अगर आप आओगे तो आपको छत्तीसगढ़ी पकवान के बारे में जानने को मिलेगा और उसको खाने को भी मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई लोग रहते हैं पर उनको पूरा पकवानों के बारे में नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से रूबरू कराऊंगा और खाऊंगा और बहुत मजा आने वाला है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ी पकवानों के लिए पूरा मेन्यू बना दिया गया है। तो आप इन सभी चीजों को छत्तीसगढ़ी गढ़ कलेवा में कटघोरा शहर के आओगे तो आप खा सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं गढ़ कलेवा के अंदर में कटघोरा शहर के। और यहाँ पर ही आप देख सकते हो कितना अच्छा वाइब आने लगा है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो गढ़ कलेवा को जो कि कटघोरा में है और कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। तो बताइए छत्तीसगढ़ी गढ़ कलेवा के बारे में। गढ़ कलेवा का संचालन हम कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया गया है। इसका संचालन करने के अभी 2 महीने हुए हैं हमको करते। कलेक्टर साहब के द्वारा बोला गया था संचालन करो, तो हम लोग यहाँ संचालन कर रहे हैं। 15 लोग हैं यहाँ जिसके द्वारा हमारे गढ़ कलेवा का संचालन हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली मैं गढ़ कलेवा पहुंच चुका हूं। तो चलिए यहां अपना स्पेशल थाली लगवा लेते हैं। उसके अलावा अगर आपको नाश्ता में जैसे कि चीला फरहा बड़ा साबूदाना ये सारे चीज़ों को खाना है तो उसको भी आप अलग से मंगवा सकते हो। तो कब से यहां खाना खा रहे हो? मैं तो 2 साल से खा रहा हूं। यहां तो घर जैसे खाना मिलता है एकदम बिना मिर्च मसाला वाला। और मैं शुगर पेशेंट हूं कहा जाए तो मैं सब जगह ढूंढा कहा जाए, मेरे लिए भोजन कहीं नहीं मिला तो नहीं खा रहा हूं। तो यहाँ पर देख सकते हो गढ़ कलेवा में दीदी टिफिन को पैक कर रही है। तो ये देखिए करेले और आलू की सब्जी, बैंगन आलू की सब्जी, और ये आ चुका है दाल, और यहाँ पर आ चुका है चावल, और यहाँ पर 4 रोटी। और उसका प्राइस क्या रहता है दीदी? 4000 रुपये मंथली दोनों टाइम का। तो देख सकते हो 2 टाइम अगर आप लोगे टिफिन तो आपको 4000 मंथली पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दीदी नॉर्मल थाली लगाने जा रही है जो कि लग चुका है। क्या कहे दीदी थाली में? हाँ, पापड़। ठीक। गढ़ कलेवा के माध्यम से हमर भूपेश काका जो माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के शासन के पद पर आसीन है, ओकर मनसा हवा कि हमन के छत्तीसगढ़ी के संस्कृति के खान पान छत्तीसगढ़ के वासी मन जो लगातार भुलत जात उन्हें होकर मन में खाए पिए के लालसा उत्पन्न करना है। और साथ 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 जो ओकर माता पिता मन के साथ साथ ओकर लड़का मन भी छत्तीसगढ़ी खान पान ला जाने। तो यहाँ पर दीदी फरहा बनाना चालू कर दी है और ये देख सकते हो कितने बड़े साइज में फरहा बनाया जा रहा है। फरहा लगे डालो थोमा पूरा ढका था। तेखर बाद छू के देखो तो हो जाइए। तेखर बाद मेला निकाल देबो तेखर बाद तड़का। दीदी चीला बना रही है। तो ये देख सकते हो फरहा उबल चुका है। तो यहाँ पर फरे को कढ़ाई में फ्राई कर दिया गया है। तो इसमें तिल डाला है, मीठी नीम पत्ती डाला है, धनिया मिर्ची वगैरह बहुत सारी चीजें डले हुए हैं। तो यहाँ पर फरे में टेस्टी मसाला डाला जाएगा अब। और इसमें कुछ और ऐड होगा कि कैसे? हो गया। तो दीदी गढ़ कलेवा की नॉर्मल थाली और स्पेशल थाली में का अंतर हावे और का मिल जाए स्पेशल थाली नॉर्मल थाली में? नॉर्मल थाली में 2 सब्जी, दाल, चावल, 4 रोटी, सलाद, अच्छा। पापड़। और स्पेशल थाली में छत्तीसगढ़ी खाना में स्पेशल थाली में 2 रोटी, पापड़, हाँ। चावल पापड़, अचार, सलाद, सब्जी 2, दाल, चावल और चीला फरा मीठा में 150 रोटी। स्पेशल थाली में छत्तीसगढ़ी पकवान मिली ज्यादा मिली। दीदी लोग के द्वारा फूलबत्ती बनाया गया है जो दिया में उपयोग करते हैं पूजा के लिए। मुर्कू बनाया गया है, चावल का मुर्कू है। चावल का मुर्कू है, मुर्कू है। ये 30 रुपए पैकेट के हिसाब से लोग दीदी लोग बेचते हैं। और ये साबूदाना का पापड़, ये चावल पापड़ है। चावल का भी पापड़ है? हाँ, चावल का भी पापड़। ये भी 30 रुपए के हिसाब से देते हैं। अच्छा। हमारे पास रखिया बड़ी है। रखिया बड़ी खाने के लिए, सब्जी के लिए। और हमारे पास ननकी बड़ी भी है, उड़द ननकी बड़ी। आलू चिप्स है, ये आम का अचार बना हुआ है, ये है बेर का अचार। बेर का अचार, बेर का अचार ये दीदी के द्वारा बनाया गया। ये मूंगा लड्डू बना हुआ,
महुआ लड्डू। हाँ महुआ लड्डू है। स्वाद में खट्टा मीठा कैसा रहता है? ये मीठा है। मीठा है? हाँ ये नॉर्मल बिना गुड़ और बिना शक्कर का बना हुआ है। तो क्या लेके जा रहे हो भैया? मैं भैया लेके जा रहा हूँ चावल और रोटी, यही खाता हूँ भैया। चार बार हो गया मेरे को यहाँ पे खाते हुए। यहाँ का जो खाना और सब्जी बनता है ना बढ़िया टेस्टी बनता है। तो आज कैसे खा नहीं रहे हो यहाँ? यहाँ ना भैया क्या है, मैं वर्किंग काम करता हूँ भैया। अच्छा अच्छा। देरी से मतलब वर्किंग काम देखना पड़ता है लेबर लोगों का, इसीलिए पार्सल लेके जा रहा हूँ। पार्सल लेके जा रहे हैं, आराम से खाएंगे। आराम से खाएंगे करके। ठीक है भैया खाइएगा आराम से। तो सबसे पहले गढ़ कलेवा में चलिए हम लोग, टोकन को अपना कटवा लेते हैं। एक नॉर्मल थाली रहेगा और एक स्पेशल थाली रहेगा अंकल ना, राइस होगा? ठीक है, ये स्पेशल छत्तीसगढ़ी थाली तैयार हो गई। तो हमारा छत्तीसगढ़ी स्पेशल थाली तैयार हो चुका है, देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारे दीदी चीजें इसमें ऐड की है। यहाँ पर दो रोटी अभी और आएगा, अभी दो रोटी और आएगा और चावल चावल भी आएगा, चावल भी आएगा। डेढ़ सौ रुपए में बहुत सारे चीजें, और जो रिफिल वाला चीज है मतलब दोबारा सब्जी कौन कौन सा मिल जाएगा? सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। बस नाश्ते का जो चीज है वो दोबारा नहीं मिलेगा, सब्जी दाल कढ़ी मिल जाएगा। तो फाइनली हमारे स्पेशल थाली लग चुका है, तो चलिए मैं आपको दिखला देता हूँ पास से क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चावल है, पापड़ है, साबूदाना है, और फरा है, रोटी है, और यहाँ पर मिर्ची की चटनी आ चुका है, और ये देख सकते हो कढ़ी है, दो सब्जी है, करेले की सब्जी है, आलू की अलग सब्जी, करेले आलू की सब्जी है, आलू की सब्जी है, दाल है, अचार है, दही है, मीठे में रसगुल्ला है, सलाद है, और चीला रोटी भी है, फरा भी है, रोटी भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल थाली लग चुका है जो कि अपने बड़े भैया खाएंगे, और यहाँ पर देख सकते हो करेला आलू की सब्जी है, आलू की सब्जी, आलू भांटा की सब्जी, दाल है, हरी चटनी है, और कढ़ी है, चार रोटी है, पापड़ है, मीठे में रसगुल्ला है, और सलाद भी है, और खा लेने के बाद रोटी के बाद चावल भी आएगा। तो इस प्रकार से है नॉर्मल थाली 100 रुपीज़ का। और यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग दो थाली लगवाए हुए हैं, स्पेशल थाली और एक नॉर्मल थाली। तो चलिए सबसे पहले रोटी को खा लेते हैं आलू की सब्जी के साथ, करेले की सब्जी के साथ खाया जाए। अब फरा है, चीला। सो गाइस स्पेशल थाली में जितने भी सारे सब्जियां हैं वो आपको दोबारा रिफिल कर दिया जाएगा, पर जितने भी नाश्ते के आइटम हैं जैसे कि चीला, फरहा, साबूदाना, पापड़, ये सारे चीज आपको दोबारा नहीं दिया जाता, और उसके अलावा चावल हो गया, रोटी हो गया, वो आपको दोबारा दिया जाता है। तो दोस्तों भैया का नॉर्मल थाली लग चुका है, और स्पेशल थाली की तरह ही इसमें आपको चावल हो गया, रोटी हो गया, दोबारा दिया जाता है। बस स्पेशल थाली में आपको जो पकवाने हैं छत्तीसगढ़ी जो नाश्ता है वो सब दिया जाता है, बट नॉर्मल थाली में आपको जो नाश्ता है वो नहीं दिया जाता। तो ये देख सकते हो खा रहे हैं, मजा आ रहा है खाने में, सारा आइटम मिला है 100 रुपए में, तो मजा आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो चावल आ चुका है। तो दोस्तों रोटी को मैं खा चुका हूँ, अब मैं चावल खाना स्टार्ट कर चुका हूँ। ये आप देख सकते हो सब्जी वगैरह भी आ चुका है, ये आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर दीदी सब्जियों को रिफिल कर दी। तो दोस्तों फाइनली मैं खाना खा चुका हूँ, मेरी मम्मी का याद आ गया मेरे को, तो मम्मी तो गांव गई है, तो मैं सोचा दोपहर का खाना यही खाऊंगा। 150 रुपए में आपको नाश्ते के साथ साथ चावल भर पेट मिल रहा है, खाने के लिए सब्जी वगैरह मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट समय मीठा भी रहता है, पूरा खाना वाना खाने के बाद, खत्म करने के बाद आप मीठा खाओ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो धीरे धीरे बहुत लोग आ चुके हैं गढ़ कलेवा में खाने पीने के लिए, और अगर आपको नाश्ता ही लेना है तो चीला हो गया, जैसे फरा हो गया, ये सब चीज़ों को अलग से लेना है तो वो भी ले सकते हो। जैसे कि आपको थाली नहीं खाना तो नाश्ता खाना है तो नाश्ता भी यहाँ आप ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ के ये प्रमुख भैया हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम भैया? मेरा नाम टीकाराम डोंगरे है, मैं लगभग 40 साल से सोशल काम करते रहा हूँ, संस्था से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में गढ़ कलेवा में महिला सिरिया स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित जो है गढ़ कलेवा उनमें इनका मार्गदर्शन, इनके जो मुख्य काम होता है आय व्यय का, तो इनको सिखाता हूँ बैठ करके, मेरा मुख्य कार्य है। अगर आपको छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद लेना है तो चले आइए हमारे कढ़ोरा के गढ़ कलेवा में। तो दोस्तों फाइनली कढ़ोरा शहर के गढ़ कलेवा में मैं खाना वाना खा चुका हूँ, तो चलिए यहाँ का आपको मैं लोकेशन बता देता हूँ। अंबिकापुर से अगर आप आओगे कढ़ोरा शहर या बिलासपुर से आओगे तो कढ़ोरा शहर के सामुदायिक चिकित्सालय के जस्ट बगल में पशु चिकित्सालय के पास में गढ़ कलेवा बनाया गया है। बाकी यहाँ का आपको मैं लोकेशन भी दे दूंगा, मेन रोड पे ही है गाइस। तो चलिए चलते हैं घर अपने। बाकी यहाँ का खाना पीना मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मेरे को अपने घर का याद आ गया। तो अगर आप कढ़ोरा से हो या कढ़ोरा के कहीं आसपास से हो, कोरबा, जांजगीर चांपा कहीं से भी हो, तो अगर आपका कढ़ोरा में कभी आना हो तो यहाँ जरूर आना, गढ़ कलेवा में आपको बहुत अच्छे तरीके से खाना पीना खिलाया जाएगा। चलिए चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा।